क्या आपको पता है 409 का स्क्वायर रूट क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि 23 डिजिट्स का क्यूब रूट क्या होता है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि 1500 रुपए आज के डॉलर रेट के हिसाब से कितने होते हैं। और वहां पर शकुंतला देवी जी को देखिए, द ह्यूमन कंप्यूटर। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद द रिव्यू ऑफ शकुंतला देवी, विच वॉज रिलीज ऑन 31st July 2020 ऑन Amazon Prime। मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें जल्दी से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि लाइफ में जब आप बहुत कुछ पा लेते हैं, या तो अपने टैलेंट के दम पर, या अपने हार्डवर्किंग के दम पर, या फिर दोनों के साथ, तो आप जिंदगी को एक अलग तरीके से देखते हैं। आप वो 9 to 5 वाली जिंदगी नहीं जीते हैं। आप जीते हैं कि आज मैं यहां जाऊं, आज मैं ये करूं, आज मैं क्या ना करूं। शकुंतला देवी जी भी कुछ ऐसी ही थी। तो चलिए जानते हैं कि शकुंतला देवी जी आखिर कैसी थी। शुरू करता हूं मैं अपना आज का मूवी रिव्यू। विद्या बालन स्टारर शकुंतला देवी बहुत ही उम्दा और बहुत ही गजब एंटरटेनिंग मूवी थी। अगर मैं इसकी स्टार रेटिंग की बात करूं तो मेरी ओर से इसको संपूर्ण 4 स्टार की बहुमत मिलती है। देखो, हर मूवी कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ आपको बताती है, चाहे वो फिक्शन बेस्ड हो, चाहे वो किसी की लाइफ पर आधारित हो। तो शकुंतला देवी इज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स एंड ट्रू फैक्ट्स। तो अगर आप इसे एक मूवी के नजरिए से देखते हैं तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग है। ठीक है, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी सी मुस्कुराहट आएगी, कहीं कहीं इमोशनल हो जाएंगे, आपको इतना मजा आएगा कि आप पल भर के लिए भी अपने टीवी के आगे से नहीं उठना पसंद करेंगे। तो ऐसा क्या और है इस मूवी में जो इसको इतना इतना खास बनाती है? शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्टिंग से। विद्या बालन की एक्टिंग लाजवाब, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, या उनके अंदाज हो, या उनके एक्सप्रेशंस हो, या उनके ख्यालों में खो जाने का तरीका हो, या फिर आप उनको हंसते हुए देख रहे हो, या फिर आप उनको रोते हुए देख रहे हो, चाहे आप उनको झगड़ते हुए भी देख रहे हो, ये मूवी आपको कहीं भी रुकने और थमने का मौका नहीं देती। दूसरी बात, ट्रांजिशन। कंटेंट की दुनिया में ट्रांजिशन एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो ये बताता है कि अगला और पिछला इंसिडेंट कितनी बारीकी से कनेक्ट होता है और सामने वाला जो पढ़ रहा है या देख रहा है उसके साथ कितनी जल्दी मूव करता है या कितनी स्मूथली मूव करता है। तो इस मूवी में जो ट्रांजिशन है फ्रॉम सीन टू सीन वो बहुत ही अच्छा है। एक कपल की नोकझोंक, बच्चे को लेकर उठने वाले सवाल, माँ बेटी का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, डॉटर का फादर के साथ रिश्ता, और शकुंतला देवी की बेटी का उनके हस्बैंड के साथ रिश्ता, इन सभी रिश्तों पर खरी उतरती है मूवी। अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। मैं तो खास ऐसा जानता नहीं हूँ कि ये मूवी कितनी रियल है या इसमें कितना क्रिएटिविटी मीटर का सहारा लेकर इसको तोड़ा और मरोड़ा गया है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि राइटर ने बहुत कमाल का काम किया है। इस पूरी कहानी को दर्शाने का जो काम राइटर ने किया है वो लाजवाब है। साउंड, सॉन्ग्स, डिज़ाइन और आपका लाइटिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन कहते हैं ना, परफेक्शन इज अ मिथ। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें लगी जो लगता है कि यहां शायद ये ना होती, जैसे कि द जंप ऑफ ईयर्स। कभी वो 1977, कभी वो 2001, कभी वो 1999, या कभी वो 1950। मैं मानता हूं कि इसको दिखाने का ये एक यूनिक तरीका था, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और अगर आप एक पल के लिए भी अपनी नजर नहीं हटाएंगे तो आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर हाँ, अगर हम 135 करोड़ की इस जनसंख्या की बात करें जहां पर हर तरह का आदमी इसको देखेगा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए,
हम हर रिश्ते को जीतने के लिए पाने के लिए क्या एफर्ट्स लगाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बजाय इसके कि हम कितनी बार बोलते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ या आई लव यू या आई केयर फॉर यू। सो वहीं शकुंतला देवी जी ने अपनी बेटी से मिलने कर क्या ऐसा किया और उसका क्या परिणाम आया, ये आपको मूवी में देखकर बहुत खुशी होगी, बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी। यू कैन सी फ्रॉम माई एक्साइटमेंट कि मैं देखकर कितना खुश हूँ। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिंदगी बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी, आप इसको कैसे जीते हो ये मायने रखता है और यही डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है। हाँ, हो सकता है कि आप किसी रिश्ते को छोटा रखें, कम समय के लिए रखें या ज़्यादा समय के लिए रखें, यह आप पर निर्भर करता है। मगर मैं आपसे हमेशा यही कहूँगा, चाहे वो रिश्ता 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, चाहे वो रिश्ता आपके एक उबर ड्राइवर के साथ ना हो जो आपसे पहली बार मिला है, उसको हमेशा अच्छा रखिए। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या पता क्या कौन सा रिश्ता आपको क्या फल दे जाए। इसी के साथ मैं चलता हूँ, नमस्कार।